ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, तो इसमें दो देख चुके थे, फर्स्ट था फाइब्रोब्लास्ट दैट इज नोन एज फाइब्रोसाइट, सेकेंड मास्ट सेल मास्टोसाइट, और ये थर्ड है। ठीक है, दिस इज थर्ड। तो तीसरा जो देख रहे हैं उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज मैक्रोफेज। ठीक है, तो तीसरा क्या है, मैक्रोफेज। ठीक है, तो थर्ड जो है मैक्रोफेज। ठीक है, ये मैक्रोफेज जो होता है ये इसको कहते हैं हिस्टियोसाइट्स भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज हिस्टियोसाइट्स। ठीक है, और इसी को एक क्लाजमेटोसाइट भी कह सकते हैं, क्लाजमेटोसाइट्स। ठीक है, हिस्टियोसाइट्स और क्लाजमेटोसाइट्स, तो ये याद रखेंगे। थर्ड कौन सा पढ़ रहे हैं, थर्ड पढ़ रहे हैं मैक्रोफेज। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज द नेम टर्म फॉर मैक्रोफेज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो मैक्रोफेज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इसको हम कहेंगे हिस्टियोसाइट्स और क्लाजमेटोसाइट्स। ठीक है, ये देखते हैं, तो ये जो देखेंगे मैक्रोफेज, तो मैक्रोफेज कैसा होता है, तो ये बता चुके हैं ये अमोबॉइड सेल्स होता है। कैसा होता है, ये अमोबॉइड सेल्स होते हैं, मतलब ये कैसा होगा, ये अमीबा की तरह होगा, अमोबॉइड सेल्स। ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस हम बताए थे, कैसा होगा न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस, तो विथ कैसा न्यूक्लियस, बीन सेपरेट। ठीक है, बीन जैसा, चाहे इसी को कहते थे कैसा, किडनी सेपरेट, और इसी को कहते हैं रेनिफॉर्म सेपरेट, कह सकते हैं रेनिफॉर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियस कैसा होगा ये याद रखना है, बीन और किडनी और रेनिफॉर्म। ठीक है, कैसा होता है ये, रेनिफॉर्म इसी को कहते हैं, बीन जैसा और किडनी को। ठीक है, इस तरह का न्यूक्लियस होगा। ठीक है, मतलब ये ऐसा है, ये देखिए स्ट्रक्चर इस तरह है। ठीक है, मैक्रोफेज है ना, सॉरी मैक्रोफेज है ना, तो मैक्रोफेज कैसा होगा, ये इस तरह से ऐसे। ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस जो होगा कैसा है, ये इस तरह से। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि कैसा है, किडनी सेपरेट, आप इसको कह सकते हैं बीन सेपरेट, इसी को हॉर्स शू सेपरेट भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये कैसे बनता है एक्चुअली में। ठीक है, तो ये मोनोसाइट होते हैं ब्लड में। ठीक है, फैगोसाइटिक नेचर होता है, तो बहुत सारे मोनोसाइट फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, और फ्यूज होके तो वो क्या बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको कहेंगे मैक्रोफेज। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा, 20 टाइम्स लार्जर देन मोनोसाइट। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट कहेंगे कि इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ, ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ क्या, मेनी मोनोसाइट्स। ठीक है, तो ये फ्यूजन ऑफ मोनोसाइट्स से बनते हैं, और ये फ्यूजन से बनते हैं तो क्या होगा, क्या होगा, ये 20 टाइम्स लार्जर इन साइज होता है। तो ये 20 टाइम्स बहुत ही बड़ा होता है, लार्जर होता है इन साइज। ठीक है, तो ये 20 गुना बड़ा होता है फ्यूजन से। और इसमें देखिए लाइसोसोम जैसे सपोज मोनोसाइट है, उसका फैगोसाइटिक नेचर है। ठीक है, तो इसमें जो साइटोप्लाज्म जो है ना, एक्चुअली में इसमें लाइसोसोम्स होते हैं, तो बहुत सारा लाइसोसोम्स एक स्ट्रक्चर में आ गए हैं ना मैक्रोफेज में, इसमें तो बहुत सारे ग्रैन्यूल्स ऐसे ऐसे दिखाई देंगे, ये क्या है एक्चुअली में, लाइसोसोम्स। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इसमें लाइसोसोम्स काफी ज्यादा होते हैं, तो लाइसोसोम है तो ये क्या करेगा, एक्टिविटी, फैगोसाइटिक नेचर। तो तीसरा पॉइंट हम याद रखेंगे, इनका फंक्शन क्या हो गया, ये इट हेल्प्स इन फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि क्या है इनका, फैगोसाइटिक इन नेचर है। ठीक है, दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर। कोई भी चीज अगर मैक्रोफेज है, ये मैक्रोफेज कहां पर पाया जा रहा है, कनेक्टिव टिश्यू में, तो कनेक्टिव टिश्यू में कोई भी अगर ये डेब्रिस वगैरह है, ठीक है, कोई सेल मर गए हैं, ठीक है, तो कोई सेल डेड कर गया है, फाइबर डेड कर गया है, तो उसको क्या है, साफ करते हैं ये, तो इसीलिए स्केवेंजर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, उसको डैमेज सेल है चाहे कोई डेड हो गया है तो उसको क्या करेंगे, ये साफ करते हैं, इसीलिए दे आर नोन एज स्केवेंजर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो इनका नेचर में ये क्या है, फैगोसाइटिक इन नेचर, तो ये फैगोसाइटोसिस फंक्शन है, फैगोसाइटिक इन नेचर। तो इनका फंक्शन क्या है, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है, फैगोसाइटिक है, नेचर है। ठीक है, फैगोसाइटोसिस है, और ये क्या करते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज स्केवेंजर, स्केवेंजर्स ऑफ कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू का स्केवेंजर भी कहते हैं इनको, नेम द स्केवेंजर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मैक्रोफेज। स्केवेंजर कहने का मतलब जो है, कोई डेड हो गया है, डेड सेल्स हैं,
ठीक है, डैमेज सेल्स है उनको ये क्या करता है, हटाता है, ठीक है, फैगोसाइटोसिस करके, ठीक है। तो ये याद रखेंगे क्या होगा, मैक्रोफेज। अब ये एक चीज और देख लेते हैं, हालांकि हाँ नहीं है, ये मैक्रोफेज क्या है, सभी ऑर्गन्स में पाए जाएंगे, ये तो कनेक्टिव टिश्यू में मैक्रोफेज है, इसको हिस्टियोसाइट कहते हैं, लेकिन पूछ लेगा डिफरेंट ऑर्गन्स में मैक्रोफेज होते हैं, उनके नाम बताइए कौन कौन सा, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्रोफेज जो है ना, एक बता रहे हम कि डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे वहां पर मैक्रोफेज होगा तो क्या क्या नाम होगा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहां पर ये देखिए हम इस तरह बना दे रहे हैं मैक्रोफेज, ठीक है। तो मैक्रोफेज अगर पूछेगा, ठीक है, अगर पूछेगा कि लीवर में होता है, ठीक है, लीवर में मैक्रोफेज क्या पूछेगा, लीवर में मैक्रोफेज हो सकते हैं, ठीक है। तो लीवर में मैक्रोफेज होगा, हो सकता है कि लंग्स में होगा मैक्रोफेज, ठीक है, लंग्स में भी हो सकते हैं। कहने का मतलब कि मैक्रोफेज अगर कनेक्टिव टिश्यू में है तो हिस्टियोसाइट्स नाम हो गया, यही मैक्रोफेज अगर लंग्स में होगा तो क्या कहेंगे, लीवर में होगा तो क्या कहेंगे, तो याद रखेंगे अगर ये लीवर में होगा मैक्रोफेज तो इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज क्या कहते हैं, कफर सेल कहते हैं, क्या कहते हैं, कफर सेल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्या कहते हैं, कौन सा सेल, कफर, KUPFFER, क्या कहते हैं इसको, कफर सेल्स कहते हैं अगर लीवर में है तो। अगर लंग्स में है तो इसी को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, इसको कहते हैं डस्ट सेल्स, क्या कहते हैं इसको, डस्ट सेल्स, ठीक है। तो अगर लंग्स में है तो इसी को फैगोसाइटोसिस कर रहा है उसको क्या कहेंगे, दैट इज डस्ट सेल, ठीक है। तो आपको याद रखना है कफर सेल क्या हुआ, इट इज द मैक्रोफेज ऑफ लीवर, नेम द मैक्रोफेज ऑफ लंग्स, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, लंग्स का डस्ट सेल, ठीक है। चाहे एल्वियोली कहते हैं ना, एल्वियोली के अंदर होता है ना ये कफर सेल, इसलिए इसको आप कह सकते हैं एल्वियोलर मैक्रोफेज भी कह सकते हैं, ALVEOLAR, एल्वियोलर मैक्रोफेज, क्या कहेंगे इसको, एल्वियोलर मैक्रोफेज भी कह सकते हैं, ठीक है। अब लंग्स के बाद जो हो गया, ठीक है, आएगा हार्ट में भी हो सकता है ये, हार्ट में अगर होगा तो क्या कहेंगे, लीजिए हार्ट में लिखना है, हार्ट में, तो हार्ट में होगा क्या होगा, हार्ट में, तो इसको कार्डियक मैक्रोफेज कहेंगे, ठीक है, चाहे पेरिकार्डियल मैक्रोफेज कुछ भी कर सकते हैं, तो इसको कौन सा मैक्रोफेज कहेंगे, कार्डियक, CRDIAC, कार्डियक मैक्रोफेज कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे इसको, कार्डियक मैक्रोफेज कहेंगे, ठीक है, हार्ट में हो गया। अगर, ठीक है, अगर हार्ट के बाद देखेंगे कि अगर किडनी में हो गया तो क्या कहेंगे, ठीक है, कौन सा कहेंगे, तो अगर ये किडनी में हो गया है, बना देते, अगर किडनी में होगा, अगर किडनी में होगा, ठीक है, तो किडनी में होगा तो इसको कहते हैं मेसेंजियल सेल, क्या कहते हैं इसको, मेसेंजियल, MESENGIAL, कौन सा, मेसेंजियल सेल, ठीक है। तो किडनी में होगा तो मेसेंजियल सेल कहेंगे, ठीक है, तो किडनी में होगा मेसेंजियल सेल। उसी तरह ब्रेन है ना, ब्रेन चाहे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अगर ब्रेन में कोई फैगोसाइट, कोई बैक्टीरिया, चाहे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर जाए तो उसको भी साफ करने के लिए मैक्रोफेज होते हैं, तो उसको कहते हैं माइक्रोग्लियल सेल, कौन सा, तो यहां दिख रहा है ब्रेन, तो ब्रेन में जो होगा उसको क्या कहेंगे, ब्रेन मतलब आप कह सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो इसको कहते हैं माइक्रोग्लियल सेल, MICROGLIAL, माइक्रोग्लियल सेल्स कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, माइक्रोग्लियल सेल्स, ठीक है, क्या कहेंगे, माइक्रोग्लियल सेल। इसके बाद थाइमस ग्लैंड होता है, थाइमस ग्लैंड होता है, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हार्ट के ऊपर कह सकते हैं होता है, हार्ट के ऊपर, अबव हार्ट, इन बिटवीन टू लंग्स, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, ठीक है, तो ये जो होगा ना, सॉरी, इसके जो मैक्रोफेज है उसको कहते हैं हैसल कॉर्पसेस, क्या कहते हैं, HASLS, हैसल्स कॉर्पसल, CORPUSCLES, कॉर्पसल्स, क्या कहेंगे इसको, हैसल्स कॉर्पसल्स कहते हैं, ठीक है, हैसल कॉर्पसल। उसी तरह अगर स्प्लीन में कह दे, ठीक है, तो स्प्लीनिक मैक्रोफेज, ठीक है। इसके बाद अगर बोन में कह दे, बोन में, तो बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स कौन सा है, बोन में जो मैक्रोफेज होता है उसको हम कहते हैं दैट इज ऑस्टियोक्लास्ट, CLASTS, क्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ब्लास्ट नहीं, ब्लास्ट तो बनाने वाला होता है, क्लास्ट, ठीक है। उसी तरह अगर हम कहते हैं कि कार्टिलेज में होगा, क्या में होगा, कार्टिलेज में होगा, तो कार्टिलेज में होगा तो क्या कहेंगे उसको, ठीक है, तो बोन हो गया ये, कार्टिलेज अगर होगा तो CARTILAGE, कार्टिलेज अगर होगा तो, ठीक है, तो अगर ये कार्टिलेज होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, तो कार्टिलेज होगा तो कॉन्ड्रो क्लास्ट, CLASTS, कॉन्ड्रो
क्लासेस, ठीक है, ये हो गया। अगर पूछ दे कि स्किन है, अगर स्किन में भी होते हैं SKIN स्किन, तो अगर स्किन में होगा तो क्या कहेंगे, ठीक है, तो इसको लैंगर हैंड सेल्स करते हैं। कौन सा सेल? LANGER लैंगर, HALS हैंड्स सेल, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे, बहुत सारे हैं, हाँ हमें पढ़ने बस कनेक्टिव टिश्यू है, हाँ, तो कहीं ना कहीं ये सब आगे पढ़ जाए, ठीक है। तो ये आपको याद रखेंगे कि हमने बताया कि ये जो मैक्रोफेज है, ये मैक्रोफेज क्या होता है, ये मैक्रोफेज टिश्यू में होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, ब्लड में क्या होता है, ब्लड में मोनोसाइट्स होते हैं, ठीक है, वही मोनोसाइट्स टिश्यू में निकल के वही फ्यूज करके क्या बना देंगे, मैक्रोफेज बनाएंगे। अगर ये कहां पर फ्यूज करके बनाएगा मैक्रोफेज, अगर ये लीवर में बनाएगा, क्या में बनाएगा, लीवर में, तो इसको हम कहेंगे क्या, कफर सेल। लीवर में बनाएगा तो कफर सेल। अगर ये लंग्स में बनाएगा तो क्या कहेंगे इसको, डस्ट सेल और एल्वोलर मैक्रोफेज। अगर ये हार्ट में होगा तो कार्डियक मैक्रोफेज, और इसी को आप कह सकते हैं, कौन सा, इसी को कह सकते हैं पेरिकार्डियल मैक्रोफेज भी, ठीक है। किडनी में होगा तो क्या कहेंगे इसको, मेसेंकियल सेल। अगर ब्रेन में होगा तो माइक्रोग्लियल सेल। अगर थाइमस ग्लैंड में है तो उसको मैक्रोफेज को हैसल कॉर्पसल्स। बोन में है ऑस्टियोक्लास्ट। कार्टिलेज में है कॉन्ड्रोक्लास्ट। स्किन में है लैंगरहैम सेल्स, ठीक है। तो ये डिफरेंट नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको हम इस तरह कर दें, तो ये देखिए लीवर में है याद रखना है, लंग्स में है याद रखना है, हार्ट में होगा तो क्या, ठीक है, उसी तरह यहां पर किडनी में होगा तो क्या कहेंगे, ठीक है, किडनी है, ठीक है, उसी तरह ब्रेन में होगा। तो डिफरेंट जितने भी नाम है सारे नाम है यहां पर मेंशन कर दिए हैं। थाइमस ग्लैंड में मैक्रोफेज होगा उसको क्या कहेंगे, तो ये लिखिए, ये थाइमस ग्लैंड में है तो हैसल कॉर्पसल्स। ये बोन है, ठीक है, ये कार्टिलेज है तो कार्टिलेज में होगा तो ये कहेंगे क्या, कॉन्ड्रोक्लास्ट ब्लास्टिंग। स्किन में है तो क्या कहेंगे, स्किन में भी होते हैं मैक्रोफेज तो इसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज व्हाट, लैंगरहैम सेल्स। तो ये आपको पूरे के पूरे आप याद रख सकते हैं कि मैक्रोफेज सभी जगह क्या करेगा। तो मैक्रोफेज का काम क्या हो गया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैक्रोफेज, द मेन फंक्शन ऑफ मैक्रोफेज इज टू फैगोसाइटिस, फैगोसाइटोसिस, ठीक है, तो फैगोसाइटोसिस करना, और ये स्कैवेंजर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, दिस इज ऑल अबाउट थर्ड मैक्रोफेज, ठीक है। फोर्थ क्या देखेंगे बताए थे, थर्ड, ठीक है, फोर्थ जो देखते हैं उसको हम कहते हैं दैट इज लिम्फोसाइट्स। फोर्थ क्या है, लिम्फोसाइट्स, तो उसके बारे में, ये भी सेल हो सकते हैं लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो ये लिम्फोसाइट्स जो होगा, ये बताए थे लिम्फोसाइट्स कैसा होता है, ये भी अमोबॉइड सेल्स है, दे आर ऑल्सो अमीबॉइड सेल्स, ये भी अमोबॉइड सेल्स होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम बताए थे कि लिम्फोसाइट्स डिवाइड जब करता है ना, ठीक है, जब भी लिम्फोसाइट्स डिवाइड करेगा तो ये क्या बनाएगा, इट डिवाइड्स टू फॉर्म, ठीक है, फॉर्म मेनी क्या, प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। तो ये, और उसको प्लाज्मा सेल्स को क्या कहते हैं, किसके, लिम्फोसाइट के डिवीजन से बना ना, इसीलिए इसको कहते हैं प्लाज्मा सेल को क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट। तो यहां पर लिख रहे हैं इट डिवाइड्स टू फॉर्म व्हाट, ये डिवाइड करके क्या बनाएगा, टू फॉर्म क्लोन ऑफ सेल्स नोन एज, तो क्लोन ऑफ सेल्स, ठीक है। और ये जो क्लोन ऑफ सेल्स है इसी को कहते हैं क्या, दैट इज कार्टिविल सेल्स, कार्टिविल जैसा होगा, नोन एज कॉल्ड प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्लोन ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं, That is plasma cells. तो ये plasma cells actually में बनाता कौन है, ठीक है, तो ये बनाता कौन है, किसके division से, तो it is formed by division of that is lymphocyte. तो clone of cells called plasma cells. तो ये याद रखेंगे कि plasma cell divide करके क्या बना रहा है, ये plasma cells बना रहा है, और ये क्या है, plasma cells, ये clone of, हालांकि इसको cells ना करके क्या कहेंगे, clone of lymphocytes, सीधे लिख रहे हैं, it divides to form अपने जैसा ना, ठीक है, क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट्स इसको कहते हैं, क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और इसी क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट्स को क्या कहते हैं हम, इसी को कहते हैं प्लाज्मा सेल, ठीक है। तो अगर पूछेगा नेम द क्लोन ऑफ व्हाट, लिम्फोसाइट्स, तो आंसर विल बी प्लाज्मा सेल्स। तो ये क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट्स कैसे बन रहा है, ये बन रहा है बाय डिवीजन ऑफ व्हाट, बाय डिवीजन ऑफ लिम्फोसाइट्स,
ठीक है, तो ये याद रखेंगे। एक चीज, इनका स्ट्रक्चर जो होगा, ये स्ट्रक्चर तो बता चुके हैं, ये कैसा होगा इनका स्ट्रक्चर अगर देखते हैं, ये लिम्फोसाइट्स का, तो इनमें क्या होगा, इनमें न्यूक्लियस क्या होगा, ठीक है, यहां पर बता रहे हैं, इधर देखिए, तो इनमें देखेंगे तो न्यूक्लियस है, यहां देखिए ये ऐसे बना रहे, तो इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो होगा, ठीक है, इस तरह है, तो ये देखिए बहुत ही बड़ा न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इनमें हम देखेंगे क्या कि न्यूक्लियस बीच में है, न्यूक्लियस बीच में है, ठीक है, कहां पर है ये न्यूक्लियस, इज सेंट्रल, ठीक है, और ये जो देख रहे हैं क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म, कैसा है ये साइटोप्लाज्म, तो ये न्यूक्लियस सेंट्रल है, सी एन टी आर एल सेंट्रल, और ये क्या है, पेरिफेरल है, पेरिफेरी में, और ये क्या होगा, पेरिफेरल है, और ये बहुत ही कम होता है, लेस, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया लिम्फोसाइट, ठीक है, इसके बाद देखेंगे ये डिवाइड करके क्या बना रहा है, ये प्लाज्मा सेल बना रहा है ना, डिवाइड करके क्या कर रहा है, ये प्लाज्मा सेल्स बना रहा है, तो ये प्लाज्मा सेल फर्दर क्या करेगा, तो देखते हैं प्लाज्मा सेल्स, पांचवा कौन सा है, दैट इज प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, फिफ्थ इज प्लाज्मा सेल्स, और इसी प्लाज्मा सेल्स को क्या करते हैं, बता चुके हैं, प्लाज्मो प्लाज्मोसाइट्स, ठीक है, तो फिफ्थ है प्लाज्मा सेल्स, और इसी प्लाज्मा सेल्स को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोसाइट्स, ठीक है, तो पांचवा कौन सा हो गया, प्लाज्मा सेल्स, दिस प्लाज्मा सेल्स इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, प्लाज्मोसाइट्स, ठीक है, तो ये प्लाज्मोसाइट्स क्या होगा, तो ये कैसे बन रहा है, अंडरस्टूड है, इट इज फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ लिम्फोसाइट्स, ठीक है, ये देखिए अब ये क्या होता है, इसमें दो पॉइंट याद रखना है, ठीक है, ये कैसा होता है, ये कार्टविल व्हील लाइक होता है, तो कार्टविल सेल्स कहते हैं, ठीक है, दे आर कार्टविल सेल्स, ठीक है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय क्या, बाय लिम्फोसाइट्स, ठीक है, ये इसका काम क्या होता है, ठीक है, तो प्लाज्मा सेल्स ये क्या बना रहा है, प्लाज्मा सेल्स है ना, तो ये आप इम्यूनोलॉजी में हम पढ़ेंगे, इम्यून सिस्टम में, कि लिम्फोसाइट्स होते हैं हम लोग में दो तरह के, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट, ठीक है, तो जो बी लिम्फोसाइट है ना वो डिवाइड करके बनाता है कौन सा, प्लाज्मा सेल, और वो प्लाज्मा सेल क्या करता है, वो एंटीबॉडी बनाता है, कहां पर, ब्लड में ना, लेकिन ये यहां पर कनेक्टिव टिश्यू में एंटीबॉडी कौन बनाएगा ये, ठीक है, तो कहते हैं इट डिवाइड्स, इट फॉर्म्स क्या, इट फॉर्म्स व्हाट, फॉर्म्स और क्या, प्रोड्यूसेस कर सकते हैं, ठीक है, तो इट फॉर्म्स और प्रोड्यूसेस व्हाट, इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, तो ये एंटीबॉडीज बनाते हैं किसका, ऑफ कनेक्टिव, एंटीबॉडीज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो एंटीबॉडी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कौन बनाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये बनाता है कौन, प्लाज्मा सेल्स और प्लाज्मोसाइट्स, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कौन बना रहा है, ठीक है, तो ये हो गया थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, सिक्स क्या होगा देखते हैं, नेक्स्ट इज सिक्स, तो सिक्स जो है, ठीक है, उसमें हम देखेंगे एडिपोसाइट्स हो सकता है, फैट सेल, ठीक है, तो सिक्स क्या है देखते हैं, एडिपोसाइट्स, तो एडिपोसाइट्स एक्चुअली में क्या है, इसको फैट सेल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, फैट सेल, ठीक है, एडिपोसाइट इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज फैट सेल्स, ठीक है, तो एडिपोसाइट को हम क्या कह रहे हैं, ये फैट सेल कह रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, एडिपोसाइट हम बता चुके हैं थोड़ा सा, एडिपोसाइट के बेसिस पर, ठीक है, कैसे हैं, इसमें एक फैट का ग्लोब्यूल है, इसमें बहुत सारा है, तो मोनोलोकुलर एडिपोसाइट और पॉलीलोकुलर एडिपोसाइट कहते हैं, ठीक है, तो हम लिखते हैं, तो एडिपोसाइट देखते हैं, तो एडिपोसाइट अगर कहेंगे क्या है, कैसा शेप होता है, तो ये बताया ना, इट इज ओवल शेपेड, ओवल शेपेड सेल्स होते हैं, ये ओवल जैसा होगा, कैसा होगा, ये ओवल शेप्ड सेल्स, ठीक है, यहां बता चुके हैं ये आपको, ठीक है, ओवल शेप्ड सेल्स, ठीक है, तो ओवल शेप्ड सेल्स मतलब क्या हुआ, ये देखिए इस तरह से ऐसे कैसे, तो ये क्या होता है कि इसमें एक बड़ा सा फैट दिखा रहा है, ये क्या है, बड़ा सा फैट है, ठीक है, तो ये बड़ा फैट है, ठीक है, बड़ा फैट है, तो ये न्यूक्लियस को कहां, फैट काफी बड़ा है, तो ये न्यूक्लियस को कहां पुश कर दे रहा है, ये न्यूक्लियस को पुश कर दे रहा है कहां पर, ये पेरिफेरी पर, तो न्यूक्लियस क्या हो जा रहा है, ये देखिए ये न्यूक्लियस है, ये बता चुके हैं आपको न्यूक्लियस है, और ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और ये क्या है, फैट का ग्लोब्यूल है, ठीक है, फैट का
ग्लोब्यूल है, ये किस तरह का हो सकता है, तो ये एक फाइनल ग्लोब्यूल है बता चुके हैं, तो इसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज मोनोलोकुलर कहेंगे इसको, क्या कहेंगे इसको, मोनोलोकुलर, ठीक है। उसी तरह यहां पर क्या देखेंगे, तो ये एक तरह से ये एडिपोसाइट जो देख रहे हैं ये क्या स्टोर कर रहा है अंदर, ठीक है, तो ये स्टोर क्या कर रहा है, ये फैट ग्लोब्यूल्स है ना, तो ये मेनली क्या अंदर स्टोर कर रहा है, ये देख रहे हैं ये क्या है, इट इज स्टोरिंग वाटर, तो इट इज स्टोरिंग फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है। बस यही अंतर है कि एक है तो मोनोलोकुलर, बहुत सारा होगा तो क्या कहेंगे इसको हम, पॉलीलोकुलर, ठीक है। तो मेन फंक्शन ये तो है ओवल शेप्ड सेल्स है, कैसे सेल्स है, ये ओवल शेप्ड सेल्स है, ठीक है, कैसे है, ओवल शेप्ड सेल्स, ये कैसे थे, अमीबॉइड सेल्स, ठीक है, ये कैसे थे, अमीबॉइड सेल्स, ये कैसा था, कार्टमिल सेल्स, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या है, ओवल शेप्ड सेल है, और ये क्या फंक्शन क्या हुआ, इट स्टोर्स व्हाट, तो इससे क्या सकते हैं, इसके अंदर फैट ग्लोबुलिन, तो इट स्टोर्स फैट, ये क्या स्टोर कर रहा है, फैट सेल नाम है, इट स्टोर्स फैट, ठीक है, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स, फैट इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स, तो देख रहे हैं ना, ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में ये फैट स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये फैट के ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स, ठीक है। तो ग्लोब्यूल्स क्या है, कह सकते हैं ड्रॉपलेट्स, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट, ठीक है, ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो ग्लोब्यूल के फॉर्म में है, ठीक है, अब ये ग्लोब्यूल के फॉर्म में है तो कितने ग्लोब्यूल है, एक है कि दो, ज्यादा, एक है ना, हाँ, तो एक है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज मोनोलोकुलर। तो ये फैट ग्लोब्यूल्स के, देखिए एडिपोसाइट, इसमें कितने ग्लोब्यूल है, ठीक है, इट स्टोर्स फैट, इसका फंक्शन क्या होगा, स्टोर्स फैट इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल, और ये ग्लोब्यूल एक है कि ज्यादा है, तो एक है या ज्यादा है, तो उस बेसिस पर इसको क्लासिफाई कर दिया गया है कि एक है कि ज्यादा है। अगर ये एक है तो इसको कहेंगे हम क्या, मोनोलोकुलर, क्या कहेंगे, एक है तो मोनोलोकुलर, बता चुके थे पहले, मोनोलोकुलर एडिपोसाइट कहेंगे, एडिपोसाइट क्या कहेंगे, मोनोलोकुलर, और एडिपोसाइट देख रहे हैं अगर उसमें एक से ज्यादा होगा तो क्या कहेंगे इसको हम, दैट इज नोन एज पॉलीलोकुलर, पॉलीलोक्युलर, ठीक है। तो एक है तो इतना और बहुत सारा है तो क्या कहेंगे इसको, पॉलीलोकुलर, ठीक है। तो पॉलीलोकुलर का भी फिगर हम बता चुके हैं, फिर भी एक बार और बता दे रहे हैं कैसा होगा, तो इसमें न्यूक्लियस कैसा होगा बता चुके थे, न्यूक्लियस इसमें फ्लैटेंड होगा, कैसा होगा ये न्यूक्लियस, फ्लैटेंड होगा और पेरिफेरल होगा, न्यूक्लियस कैसा है, फ्लैटेंड, फ्लैट है और पेरिफेरल, ठीक है, लिख भी देते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस कैसा होगा, ये फ्लैटेंड, FLATTENED, फ्लैटेंड और पेरी, फैट ग्लोब्यूल कैसा है बताइए, ये सिंगल है ना, सिंगल है, लार्ज, ठीक है, एंड सेंट्रल, ठीक है, ये है, तो इसको मोनोलोकुलर है, लेकिन पॉलीलोकुलर अगर यहां देख रहे हैं, पॉलीलोकुलर भी हो सकता है, तो पॉलीलोकुलर होगा तो कैसा होगा वो भी बता देते हैं, तो पॉलीलोकुलर कहने का मतलब क्या होगा, ये देखिए ऐसे, ये है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ठीक है, इसमें देखेंगे न्यूक्लियस सेंटर में है, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, तो ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस चारों तरफ क्या है, छोटे छोटे ऐसे ऐसे बहुत सारे फैट है, ठीक है। तो ये देखिए ये हरा रंग में है, ये बहुत सारे क्या है, फैट के ग्लोब्यूल्स है छोटे छोटे, उसमें लाल है, तो ये क्या है एक्चुअली, ये जो देख रहे हैं, दिस इज फैट ग्लोब्यूल, एक फैट ग्लोब्यूल है, फैट ग्लोब्यूल एक नहीं है, कितने हैं, बहुत सारे, तो ये फैट ग्लोब्यूल वहां देखिए सिंगल था, यहां पर क्या हो गया, यहां पर मिनी है, वहां पर लार्ज था, यहां पर क्या है, स्मॉल है, यहां पर क्या है, पेरिफेरी है, वो भी पेरिफेरी अराउंड कहां पर, न्यूक्लियस, तो पेरिफेरल, ठीक है। यहां पर देखेंगे न्यूक्लियस कैसा है, ओवल है, राउंड और ओवल है और सेंटर है, तो यहां पर हम कह सकते हैं जिस तरह वहां पर फ्लैटेंड और पेरिफेरल था, यहां पर न्यूक्लियस कैसा है, ये राउंड है, कैसा है, ये राउंड एंड कैसा है, कह सकते हैं पेरिफेरल ही है, लेकिन पेरिफेरल सॉरी न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस क्या है, राउंड है और सेंटर में है, वहां पेरिफेरल था, यहां राउंड और सेंट्रल है।
ठीक है, तो ये सब बता चुके हैं आपको, तो इसको कहेंगे ऊपर वाले को मोनोलोकुलर और नीचे वाला को पॉलीलोकुलर एडिपोसाइट्स। ठीक है, तो दो तरह के एडिपोसाइट्स होते हैं, एडिपोसाइट्स देख रहे हैं, ठीक है, मोनोलोकुलर और पॉलीलोकुलर। पॉलीलोकुलर को हम मल्टीलोकुलर भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये मोनोलोकुलर जो है ना, ये क्या बनाता है, तो इन दोनों में देखेंगे तो इट फॉर्म्स व्हाइट फैट। ये क्या इट कॉन्स्टिट्यूट, यही मोनोलोकुलर है तो इसको व्हाइट फैट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं ब्राउन फैट। तो ये क्या है, ये व्हाइट फैट बनाता है, और ये क्या बनाता है ब्राउन फैट। ये क्या बनाता है व्हाइट फैट और ये ब्राउन फैट। तो ये याद रखेंगे, मोनोलोकुलर जो है इट कॉन्स्टिट्यूट और फॉर्म्स क्या व्हाइट फैट, पॉलीलोकुलर क्या बनाता है ये ब्राउन फैट। ठीक है, तो ब्राउन फैट और व्हाइट फैट अंतर क्या है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि इसमें क्या होगा, फैट के ग्लोबुल कितने हैं, सिंगल है। ठीक है, तो इसमें कह सकते हैं व्हाइट फैट में फैट ग्लोबुल कितने हैं, अगर देखेंगे तो इसमें सिंगल, ठीक है, इसमें सिंगल और इसमें क्या है मिनी। ठीक है, इसमें सिंगल और इसमें क्या हो गया फैट का ग्लोबुल, इसमें मिनी होगा। ठीक है, तो ये देखिए मिनी है, ठीक है, फैट का ग्लोबुल देख रहे हैं। फिर देखेंगे क्या, फिर देखेंगे कि साइटोप्लाज्म में देख रहे हैं, साइटोप्लाज्म। तो आप खुद बताइए साइटोप्लाज्म किसमें क्या होगा, किसमें, इसमें साइटोप्लाज्म कम है, इसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा सॉरी ऊपर है ना, तो ऊपर वाला क्या है ब्राउन मोनोलोकुलर, तो इसमें साइटोप्लाज्म कम है, इसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं इसमें लेस है, इसमें मोर। ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया अगर कहेंगे, क्या कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, तो आप खुद बताइए माइटोकॉन्ड्रिया किसमें ज्यादा होगा, इसमें लेस साइटोप्लाज्म, लेस माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसमें क्या होगा लेस, इसमें क्या हो गया ज्यादा मोर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब आप खुद बताइए कि एनर्जी प्रोडक्शन किसमें ज्यादा होगा, एनर्जी प्रोडक्शन, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, तो ये क्या करेगा, ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ना, तो एनर्जी प्रोडक्शन किसमें ज्यादा होगा, तो इसमें लेस माइटोकॉन्ड्रिया है, तो क्या होगा लेस होगा, तो सारी चीज क्या है लेस, और इसमें क्या होगा एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा मोर। ठीक है, और मोर होगा, और ये बताए थे कि 20 टाइम्स मोर एनर्जी, क्या होगा 20 टाइम्स मोर एनर्जी इसमें प्रोड्यूस करता है ये। ठीक है, तो ये याद रखना है 20 टाइम्स जो है मोर। ठीक है, ये याद रखना है 20 गुना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है ये। ठीक है, तो दैट इज नोन एज पॉलीलोकुलर। तो ये एडिपोसाइट जो होगा मोनोलोकुलर एडिपोसाइट कहेंगे, और पॉलीलोकुलर, और मोनोलोकुलर क्या होगा व्हाइट फैट कहलाता है, और ये ब्राउन फैट। ठीक है, ये हो गया। अब ये व्हाइट फैट कहां पाया जाएगा और ब्राउन फैट कहां पाया जाएगा वो देखते हैं हम। ठीक है, तो व्हाइट फैट कहां पाया जाएगा, ब्राउन फैट के एग्जांपल्स। ठीक है, तो इसी में देख ले रहे हैं, तो इसमें एग्जांपल्स हम देख रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल्स एग्जांपल्स। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल्स देखेंगे इसके, और फिर यहां पर भी क्या देखेंगे एग्जांपल्स। ठीक है, ये लिखिए इसके एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये याद रखना है, तो ये वाला कर दें, फैट ग्लोबुल इसमें कैसा होगा, ये देखिए सिंगल, इसमें मिन। ठीक है, ये इनमें सब लेस, इनमें सारे के सारे मोर। ठीक है, 20 गुना ज्यादा एनर्जी। ठीक है, अब ये पूछेगा ना कि ब्राउन फैट जो होता है, एग्जांपल तो देख ही रहे हैं, ब्राउन फैट अगर पूछ देगा कि इसका ब्राउन कलर क्यों होता है, कुछ ना कुछ होगा ना ब्राउन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये ब्राउन कलर क्यों होता है, तो ब्राउन कलर इज ड्यू टू ब्राउन फैट इज, ये तो व्हाइट कलर होता है, ये ब्राउन है, व्हाइट इज ब्राउन इन कलर, तो आपको आंसर हो जाएगा इट इज ब्राउन इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कौन सा, साइटोक्रोम पिगमेंट, ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसलिए नहीं, साइटोक्रोम पिगमेंट। तो ब्राउन फैट का जो कलर ये होता है, ये कह सकते हैं व्हाइट इट इज ब्राउन इन कलर, तो ब्राउन कलर इज ड्यू टू, आप कह सकते हैं क्या, इसको हम कह सकते हैं साइटोक्रोम, क्या कहते हैं साइटोक्रोम। ठीक है, तो यहां पर हम कहीं लिख देते हैं ब्राउन फैट है ना, तो ये कलर क्या है ब्राउन इन कलर, ब्राउन इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ड्यू टू साइटोक्रोम, CYTOCHROME, क्या कहेंगे इसको साइटोक्रोम, CHROME। ठीक है, तो याद रखेंगे साइटोक्रोम के चलते द ब्राउन कलर ऑफ, ठीक है, ब्राउन फैट
इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिच पिगमेंट अगर पूछ देगा तो आपको याद रखना है कौन सा पिगमेंट है, तो इसको क्या कहते हैं, दैट इज साइटोक्रोम, CYTOCHROME साइटोक्रोम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कौन सा, साइटोक्रोम, CYTOCHROME साइटोक्रोम, ठीक है। ये हो गया, अब एग्जांपल देखते हैं इसका, तो इसका एग्जांपल और इसका एग्जांपल कहां कहां पाया जाएगा, ठीक है, दोनों का एग्जांपल, ठीक है। तो एक एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि ये दोनों का दोनों क्या है, ये दोनों का एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का एग्जांपल्स देखेंगे अगर, तो ये कहां पाया जाएगा एग्जांपल्स, वो देखते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स कहां पाया जाएगा, तो ये कहेंगे कि हम्प ऑफ कैमल, क्या देखेंगे, हम्प ऑफ कैमल, कैमल जो होता है ना उसका ऊपर वाला कूबड़ कहते हैं वो, ठीक है, वहां पर पाया जाएगा ये हम्प ऑफ कैमल, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कैमल का हम्प हो गया, इसके बाद वेल जो होता है ना, वेल, सील, एलिफेंट होता है, उसमें ब्लबर होता है, ठीक है, BLUBBR, तो ब्लबर ऑफ वेल, ठीक है। इसके बाद एक मरीनो शीप होता है, एक शीप का एक ब्रीड होता है मरीनो, तो उसका टेल जो है ना काफी मोटा होता है, तो उसमें क्या होता है, वो जो है ना उसमें व्हाइट फैट होता है, ठीक है, क्या होता है, व्हाइट फैट। इसके बाद हम बोन पढ़ेंगे, अभी हम आगे क्या पढ़ेंगे, बोन, तो बोन में देखेंगे येलो बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो, तो येलो बोन मैरो क्या है, इट इज एग्जांपल ऑफ दैट इज व्हाइट फैट, ठीक है। तो ये चार तो होंगे, एक एग्जांपल और है, ये हम लोग में कहां है, तो हम लोग में क्या होता है कि अभी ये देखेंगे स्किन, तो स्किन के तीन लेयर, ऊपर वाले को कहते हैं एपिडर्मिस, नीचे डर्मिस, और सबसे नीचे जो होता है ना उसको कहते हैं हाइपोडर्मिस, क्या होता है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो ये हाइपोडर्मिस जो लेयर है ना उसमें क्या होते हैं, सब क्यूटानेसियस फैट होता है, फैट पूरा भरा हुआ है, ठीक है। तो वो जो फैट है कौन सा है, यही है व्हाइट फैट, ठीक है। तो हम वो जो व्हाइट फैट है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पैनिक्यूलस एडिपोसस, ठीक है, क्या कहते हैं, पैनिक्यूलस एडिपोसस। तो एग्जांपल हम देख रहे हैं, ठीक है, तो एग्जांपल अगर देखेंगे तो इसमें एग्जांपल्स जो है वो हम देखना चालू करते हैं, तो इसमें एग्जांपल देखेंगे तो कौन कौन सा होगा लिख दे रहे हैं। तो पहला एग्जांपल है, इसको कहते हैं पैनिक्यूलस, ठीक है, पैनिक्यूलस एडिपोसस, चाहे ऐसे कह सकते हैं हाइपोडर्मिस ऑफ स्किन, ठीक है, क्या कहेंगे, हाइपोडर्मिस ऑफ स्किन, तो लिख दे रहे हैं हाइपोडर्मिस ऑफ स्किन, और इसी हाइपोडर्मिस ऑफ स्किन को क्या कहते हैं, अभी बताया है पैनिक्यूलस, पैनिक्यूलस, PANICULUS एडिपोसस, एडिपोसस। तो ये एक्चुअली में हाइपोडर्मस ऑफ स्किन जो है, ये क्या है, हाइपोडर्मस ऑफ स्किन, तो हाइपोडर्मस ऑफ स्किन जो होता है वो सब क्यूटानेसियस फैट लेयर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सब क्यूटानेसियस फैट लेयर, तो इसमें फैट भरा हुआ है, तो वो जो फैट वाला ऊपर वाला एपिडर्मिस, नीचे डर्मिस, तीसरा लास्ट में हाइपोडर्मिस, तो हाइपोडर्मिस ऑफ स्किन जो देख रहे हैं हम, ठीक है, जो हाइपोडर्मिस ऑफ स्किन देख रहे हैं तो वो क्या है, उसमें फैट का लेयर है ना, सब क्यूटानेसियस फैट लेयर है, तो उसी को एग्जांपल क्या हुआ, व्हाइट फैट है। तो हम लोग में है जैसे कि वो क्या करता है, शॉक ऑब्जर्वर की तरह मारते भी है तो क्या हुआ, थोड़ा सा शॉक ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, काम कर रहा है। तो पैनिक्यूलस एडिपोसस इज एग्जांपल ऑफ व्हाइट फैट, तो ये एक तरह से कह सकते हैं ये क्या है, पैनिक्यूलस एडिपोसस है क्या, तो ये क्या है, व्हाइट फैट है, ये क्या है, व्हाइट फैट कहां पर है, किसके नीचे है पूछ देगा, अंडर एपिडर्मिस, डर्मिस ना, तो डर्मिस के नीचे, तो व्हाइट फैट अंडर डर्मिस ऑफ, क्या कह सकते हैं, डर्मिस ऑफ स्किन, ठीक है, तो डर्मिस ऑफ स्किन के नीचे व्हाइट फैट है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे क्या है, इट इज अ व्हाइट फैट अंडर डर्मिस ऑफ, तो नेम द व्हाइट फैट अंडर द डर्मिस ऑफ स्किन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा दैट इज डर्मिस ऑफ स्किन, तो क्या हो गया आंसर, आंसर विल बी दैट इज पैनिक्यूलस एडिपोसस, ठीक है, पहला। दूसरा एग्जांपल जो है जो बता रहे हैं वो सब लिख दे, हम्प ऑफ कैमल, कैमल में जो ऊबड़ करते हैं उसको, तो हम्प, HUMP, हम्प ऑफ कैमल, ठीक है, तो हम्प याद रखिएगा कैमल का, ठीक है, हम्प ऑफ कैमल, वो क्या है, व्हाइट फैट है। उसी तरह देखेंगे और एग्जांपल्स, ब्लबर ऑफ वेल, ठीक है, वेल में,
तो ब्लबर ऑफ व्हेल, ठीक है, तो ब्लबर ऑफ व्हेल, ठीक है, व्हेल का ब्लबर, ठीक है। उसी तरह व्हेल नहीं, सील भी होते हैं, सील, ठीक है, व्हेल, सील। इसके बाद और भी होते हैं, कह सकते हैं क्या, एलिफेंट, इन सभी को ब्लबर होता है, ठीक है, एलिफेंट, ये सब, ठीक है। यहां फिर देखेंगे क्या, एक मरीनो शिप बताए थे उसके टेल, तो ये कह सकते हैं टेल ऑफ मरीनो, MARINO, मरीनो, SHEET शिप, तो मरीनो शिप एक है, तो उसका जो ब्रीड है, ठीक है, मरीनो शिप, उसमें पाया जाएगा, ठीक है, तो उसके टेल में, ठीक है, ये ध्यान देंगे। इसके बाद क्या हुआ, एक और बताए थे कि बोन में पढ़ेंगे दो तरह के होते हैं, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो, तो ये येलो बोन मैरो पढ़ेंगे, येलो बोन मैरो ये क्या है, इट इज अ व्हाइट फैट, तो येलो बोन मैरो, ठीक है, तो इसको शॉर्ट में हम क्या कर सकते हैं, YBM, क्या कहेंगे इसको, येलो बोन मैरो, ठीक है, तो ये आप इतना याद रखेंगे कि ये क्या है, येलो बोन मैरो, ठीक है, तो ये याद रखेंगे एग्जांपल्स इसके। पहला क्या है, पेनिकुलस एडिपोसस, हम्प ऑफ कैमल, ठीक है, ये क्या हो गया, पेनिकुलस एडिपोसस, ठीक है, हम्प ऑफ कैमल। तीसरा ब्लबर, तो ये हम्प गोल कर दे रहे हैं इसको, खुला हम्प, ब्लबर, टेल और येलो बोन मैरो, और ये हाइपोडर्मिस ऑफ स्किन जो है इसलिए कहते हैं बिकॉज वो पूरा स्किन में सबक्यूटेनियस फैट होता है, उसको कहते हैं पेनिकुलस एडिपोसस, ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया। उसी तरह ये ब्राउन फैट जो है पॉलीलोकुलर, वो कहां पाया जाएगा, तो ये एक्चुअली में पाया जाता है, इसका एग्जांपल अगर देखेंगे तो इट इज फाउंड इन वेयर, तो ये देखेंगे एम्ब्रियोनिक कंडीशन, एम्ब्रियो होता है ना बच्चा, उसको ज्यादा चाहिए एनर्जी, तो उसके लिए वहां पर, तो कह सकते हैं कि मैमिलियन बेबी जो है ना, मैमिलियन बेबी वगैरह है, ठीक है, उसके एम्ब्रियो में, तो कह सकते हैं एम्ब्रियो ऑफ, एम्ब्रियो कंडीशन में ऑफ मैमिलियन बेबी, मैमिलियन बेबी, ठीक है, और रोडेंट्स भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैमिलियन बेबी और यू कैन से रोडेंट्स भी, ठीक है, मैमल तो है ही है और रोडेंट्स भी कह सकते हैं, तो रोडेंट जो चूहा वगैरह होते हैं उसके एम्ब्रियो को जो हीट, उनमें जो हीट प्रोडक्शन होता है ज्यादा होता है, बिकॉज इट प्रोवाइड 20 टाइम्स मोर एनर्जी, ठीक है, ज्यादा जरूरत होता है, तो ये याद रखेंगे मैमिलियन बेबी। दूसरा जो एग्जांपल्स है अगर कुछ देगा, ये कहां पर है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे हाइबरनेटिंग मैमल्स में, एनिमल्स कह सकते हैं कुछ, जैसे पोलर बियर वगैरह सुने हैं, तो बियर क्या होता है, हाइबरनेटिंग कहने का मतलब क्या हुआ, दो तरह का होता है टर्म्स, एक एस्टिवेशन और एक हाइबरनेशन, ठीक है, तो अगर समर, समर जैसे है, ठीक है, तो समर स्लीप, समर में क्या होता है, अगर बॉडी कोई ऐसा एनिमल है जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाता है, ठीक है, नहीं कर पाता है, ठीक है, तो जैसे हम लोग कर पाते हैं तो इसको होमियोथर्मल कहते हैं, और जो नहीं कर पाता है उसको पॉइकिलोथर्मल कहते हैं, चाहे एंडोथर्मल, ठीक है, तो पॉइकिलोथर्मल है, क्या होता है एनिमल, सच एनिमल्स इन विच बॉडी टेम्परेचर इज नॉट रेगुलेटेड, ठीक है, देयर बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू चेंज इन आउटर एनवायरमेंट, तो वो क्या करेंगे, ठंडा में भी धरती के नीचे रहते हैं और कह सकते हैं गर्मी में भी धरती के नीचे रहेंगे, स्लीप करेंगे, बचाव करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको समर स्लीप और विंटर स्लीप कहेंगे, तो विंटर में जो होगा ना, विंटर स्लीप को कहते हैं हाइबरनेशन, समर स्लीप को क्या कहेंगे, एस्टिवेशन, तो ये एक्चुअली कहां पाया जाएगा, ये हाइबरनेटिंग मैमल्स में, कहां पर, हाइबरनेटिंग मैमल्स जो है, मैमल्स ना कहते हैं क्या कहेंगे, एनिमल्स, तो हाइबरनेटिंग एनिमल्स है, तो ठंडा में ये है ना बताने के लिए, तो उनमें ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करना है ना, तो उसमें ये पाया जाएगा, हाइबरनेटिंग एनिमल्स में कौन सा पाया जाएगा, दैट इज ब्राउन फैट, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी, ठीक है, तो ये हो गया आपका, दैट इज एडिपोसाइट। एक लास्ट सिक्स है, एक लास्ट यहां पर देख ले, ठीक है, सेवन, ठीक है, तो सेवन जो है एक लास्ट, उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे दैट इज मेसेनकाइम सेल्स, ठीक है, मेसेनकाइम, मेसेनकाइम सेल्स, ठीक है, तो ये मेसेनकाइम सेल्स लास्ट है, तो याद रखेंगे, हालांकि पिगमेंट सेल्स भी होंगे, ठीक है, तो पिगमेंट सेल्स उसमें होगा, क्रोमेटोफोर, मेसेनकाइम सेल्स क्या होगा, ये क्या होगा, ये भी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है, सपोज करिए कि
जितने भी सेल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट, इसके बाद मास्ट सेल, ठीक है, इसके बाद मैक्रोफेज, इसके बाद देखें अभी लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स, एडिपोसाइट, सारे के सारे सेल्स जो है ना ये खुद बना सकता है ट्रांसफर होके, ठीक है, डिवाइड करके. तो इसीलिए कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच कैन फॉर्म अदर सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कोई भी बना सकता है ये, ठीक है. तो इसको हम क्या कहेंगे, ये मेसेनकाइम सेल्स में क्या लिखेंगे, इट इज अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है. तो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच कैन फॉर्म, ठीक है, और विच कैन ट्रांसफॉर्म, ठीक है, विच कैन प्रोड्यूस कह सकते हैं, प्रोड्यूस ऑल अदर सेल्स ऑफ क्या, कनेक्टिव टिश्यू. तो जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है ना, ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू के जितने भी सेल्स हैं सब ये बना सकता है अपने आप डिवाइड करके. तो इसको क्या कहते हैं, दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ऑफ क्या, कनेक्टिव टिश्यू, याद रखेंगे. हालांकि फाइब्रोब्लास्ट भी है लेकिन वो सारे सेल्स नहीं बनाते थे, वो क्या बनाता था, वो ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट बनाता था, इसके बाद कोंड्रोब्लास्ट बनाता था, स्मूथ मसल सेल बनाता था और एडिपोस सेल बनाता था, एडिपोसाइट, बस ये सभी बना सकते हैं. तो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच कैन प्रोड्यूस ऑल अदर सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये याद रखेंगे. तो वैसे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो कि सारे के सारे सेल्स को बना सकता है कनेक्टिव टिश्यू को अकेले डिवाइड करके, उसको हम कहते हैं, वैसे को कहेंगे प्लूरीपोटेंट सेल. क्या कहेंगे, प्लूरीपोटेंट सेल. तो एक्चुअली में हम क्या कहेंगे, ये मेसेनकाइम सेल्स क्या है, ये प्लूरीपोटेंट सेल है. कैसा सेल है ये, इसको हम क्या कहेंगे, दे आर नोन एज, यहां लिखते हैं ऐसे सेल्स को हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज, इसको कहते हैं प्लूरीपोटेंट सेल, ठीक है. तो यहां पर लिखते हैं, तो ये एग्जाम्पल प्लूरी, पी एल ई यू आर आई POTENT, potent cell, ठीक है. तो name the pluripotent cell of connective tissue. Answer will be क्या, mesenchyme cells, ठीक है. क्यों, क्योंकि ये divide करके पूरे cells बना सकते हैं अकेले, ठीक है. तो ये याद रखेंगे, that is mesenchyme cells. तो ये सब क्या है, these all are the different cells of connective tissue, ठीक है. तो इसको आप लिख दीजिए.